वेलकम बैक टू मैरा तो वीडियो। तो कैसे आप सब उनको सब बड़े उनको समझ में। और मैं आज चुका पहुंच चुका हूं दिल्ली के अंदर। तो जस्ट अभी मेट्रो से हमारी ना मेट्रो यहां से उतरा हूं। दिल्ली मैं ना आज आपको तीन लोकेशन ट्रैप करवाने वाला हूं दिल्ली के अंदर। पीछे मेन मार्केट है, रोड है, एक तो कालका जी मंदिर, दूसरा अपना लोटस टेम्पल। तो हम कालका मंदिर इसके अंदर गेट की एंट्री करवाते हैं। मैं अभी ना एंट्री कर चुका हूं कालका मंदिर के अंदर। यहां पे ना जागरण हो रहा है, देखो माता रानी का ना यहां पे पीछे जागरण हो रहा है। हमारे माता रानी का स्वरूप है ना वो ये है, मेन स्वरूप माता रानी का ये है। बोलो जय माता की। कालका रानी के मंदिर और लाइन देखो भाई साहब, कम से कम आधे किलोमीटर तक लाइन थी, लंबी लगी पड़ी है यहाँ पे। अभी लाइन होने की वजह से यार मैं तो अंदर गया नहीं, कम से कम आधे किलोमीटर की लाइन थी। तो जो मेन व्यू था ना मैंने आपको दर्शन करवाए दिए माता रानी को, माता रानी को कालका माता रानी मंदिर देखो फाइनली ये है। तो यहाँ पर चुकेश्वर महाराज की पूजा होती है, जो भी टोटके वगैरह होता है ना यहाँ पे हवन होती है। तो यहाँ पे माता रानी मतलब भैरवा का हवन वगैरह होता है, काफ़ी ज़्यादा टोटके वगैरह यहाँ पे करे जाते हैं यहाँ माता रानी के मंदिर में। माता रानी के दर्शन तो हुए नहीं, तो भैरव बाबा के बाकी जो दर्शन वगैरह हमने कर लिया यहाँ सब सीधे निकल दिया। तो लोटस टेम्पल या फिर निकलेंगे इस्कॉन टेम्पल कालका माता रानी के मंदिर। तो यहाँ पे ना टीका लगाने वाले काफ़ी घूमते हैं बच्चे, जो छोटे छोटे देखो एक बच्चे ने हमारा ये मिला देखो इस तरह वाला ना, तो देखो टीका लगा दिया ना। जय माता रानी। तो ये देखो कितना प्यारा टीका लगाया है बच्ची ने, ये बच्ची है देखो छोटी सी बच्ची है, टीका लगा रही है। यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे कई सारे बच्चे होते हैं जो टीका लगाते हैं माता रानी के नाम पे। कह रही आप टीका लगा लो, चला पैसे मत देना। दिल्ली में ऐसे घूम रहा था, अब हम जा रहे हैं लोटस टेम्पल। तो वाइल्ड देखो आंटी ने यहाँ पे ऑटो रिक्शा चला रही है, काफ़ी स्ट्रगल वाली लाइफ जी रही है। आंटी कब से चला रहे हैं आप? 7 महीने हो गए। 7 महीने से गाड़ी निकली है ना, हम लेडीज के लिए निकली। अच्छा, ये लेडीज वालों के लिए निकली है, उसमें से दिल्ली के अंदर है। हाँ, यहीं पे मैं था पे है। तो ई रिक्शा की तरह तो है ये। हाँ, ई रिक्शा की तरह नहीं है, ये मॉडल अलग है, इसका ऑटो से भी है, जापान से आया हुआ। अच्छा, जापान टेक्नोलॉजी है। यहाँ पे ना ऐसे रिक्शा चलाती है यहाँ पे दिल्ली के अंदर। तो बाहर से इस टाइप का कुछ रिक्शा था जो आंटी चला रही थी। तो मैं लोटस टेम्पल जाने के लिए अंदर एंट्री कर रहा हूँ। तो यहाँ पे सारे देखो अंग्रेज है, देखो पीछे ना मेरा पीछे काफ़ी सारे अंग्रेज यहाँ पे ना विजिट कर रहे हैं इसके अंदर। देखिए मैंने आपको बताया था कि मैं आपको ना तीन लोकेशन ट्रैप करवाने वाला हूँ। एक तो माता कालका रानी का मंदिर जो कि दिल्ली के अंदर है, और दूसरा हम लोग आ गए हैं लोटस टेम्पल जो कि हमारा दूसरा विजिट प्लेस होने वाली है। तो लोटस टेम्पल हमारा सामने, ये हमारा आगे लोटस टेम्पल, और काफ़ी ज़्यादा बड़ा ग्राउंड है देख सकते हैं यहाँ पे ना। पब्लिक भी काफ़ी आ रही जा रही है देख सकते हैं, यहाँ पब्लिक आ रही है। पार्किंग देखो, मतलब पार्किंग सॉरी गार्डन देखो, कितना ब्यूटीफुल गार्डन है पूरा यहाँ से लेके यहाँ, काफ़ी ब्यूटीफुल। तो इसकी जो मेन विशेषता है ना वो ये है कि कमल के फूल की तरह इसका व्यू है, इसका आकार है, पीछे देख सकते हैं। पीछे मतलब फॉग ज़्यादा हो रहा है ना, सुबह की 11 बज चुके हैं, तो इस वजह से यार काफ़ी ना क्लियर दिख नहीं रहा, लेकिन जो इसका आकार है पूरा फूल की तरह है दिल्ली के अंदर। मैं भी काफ़ी दिनों बाद मतलब फर्स्ट टाइम मैंने विजिट किया है यहाँ पे। घूमने के लिए यहाँ पे ना देखो जूतो तादर के एक और थैले में रख रहे हैं। यहाँ की मतलब एक विशेषता है साफ़ सफाई का ज़्यादा ध्यान रखा जा रहा है यहाँ पे लोटस टेम्पल के पास में। ये जो मंदिर है ना ये है बहाई उपासना मंदिर, में आपका स्वागत है ना। बहाई उपासना वाला मंदिर है दिल्ली के अंदर लोटस टेम्पल के नाम से जाना जाता है। तो मैंने केवल नाम सुना था लोटस टेम्पल का, तो आज फाइनली मैंने घूम भी लिया। इससे पहले मैं गया था कालका माता रानी के मंदिर, और अब आया हूँ लोटस टेम्पल देख सकते हैं। पीछे मेरा लोटस टेम्पल है, और ना ये ना पानी के बीच में चारों तरफ पानी है देख सकते हैं, इस तरीके का पानी है यहाँ पे लोटस टेम्पल के पास। तो मैं आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन दे दूँ, तो ये ना बहाई धर्म का एक रिलीजन है, तो उसका ये टेम्पल है, मतलब जैसे नाम से पता लग रहा है लोटस टेम्पल। तो बहाई रिलीजन है एक जिसमें सभी धर्म इंक्लूड होते हैं, सभी धर्म की वैधता है यहाँ पे। तो ये गौतम बुद्ध हो गए और मतलब काफ़ी सारे हैं, तो सब धर्म के यहाँ पे इंक्लूड करके एक बहाई धर्म बनाया गया है। तो इसका प्रसिद्ध मंदिर ये है लोटस टेम्पल। कहता तो हम आ चुके हैं इस्कॉन टेम्पल तीसरे अपनी लोकेशन के ऊपर। तो ये इसका एंट्री गेट है, तो अब चलते हैं इसके अंदर और दर्शन करते हैं। हरे कृष्णा। तो मैं आ चुका हूँ यार इस्कॉन टेम्पल पे, तो तीसरी लोकेशन में पहुँच चुके हैं। तो काफ़ी यार भव्य मंदिर है देखो इस्कॉन वाला ना। अभी मैं अंदर जा रहा हूँ यहाँ से। मैं मेरे को तो ऐसी ऐसी जगह पे आके काफ़ी ज़्यादा मन को शांति मिलती है यहाँ पे। अब मैं आ रखा हूँ देखो इस्कॉन टेम्पल के अंदर। यार मैं आ चुका हूँ इस्कॉन टेम्पल के अंदर। तो ये है हमारे राधा रानी का मंदिर सामने, वो जो मेन मंदिर है वो है सामने, अभी भी लेके चलता हूँ आपको। ये है मेन मंदिर डड्डू गोपाल जी का, सामने राधा कृष्ण जी हमारे हैं राधा, तो एक मंदिर सामने है। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण।
तो आज मैंने आपको तीनों लोकेशन ड्राइव करवा दिया और मैं अभी इस समय खड़ा हूँ इस्कॉन टेम्पल दिल्ली के अंदर जो है। तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना मैं इस ब्लॉक यहाँ पे एंड कर दूँ, क्योंकि आज मैं तो निकल जाऊँगा घर के लिए। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ब्लॉक के साथ। जब तक के लिए चैनल बंदे पाता हूँ, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर भी कर देना अभी, ठीक है।